नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आप सभी का गंगा सवेरा। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने यूपी में 50 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, लेकिन इस पर भाजपा ने हमला किया। की बैठक आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की रणनीति बन गई है, जिसमें पार्टी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में कम से कम 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर प्रदेश में जुबानी जंग की शुरुआत हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने सपा के टारगेट 50 पर करारा हमला किया और कहा कि सपने देखने का अधिकार सबको है। सपने देखने का अधिकार तो सबको है, और समाजवादी पार्टी का जो पिछले 4 चुनावों में इस प्रकार के परिणाम रहे हैं, प्रदेश की जनता सजग है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर ही हमला बोल दिया, कहा कि राष्ट्रीय नेता बनने की चाह छोड़ दे। अखिलेश यादव कितने ही क्षेत्रीय दलों से बात करें, लेकिन मुझे लगता है पहले अपना प्रदेश देखें। प्रदेश में 2017 से पहले उनके शासन को जिस तरह से देखा है। तो भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने तो सपा पर तंज भी कसा। 2022 का विधानसभा का चुनाव, तब भी वो कह रहे थे कि 400 विधानसभा सीट हम जीतेंगे, और उसका नतीजा सामने आया। ऐसे ही लोकसभा में जो उनकी घोषणा है, जो वो आप सामने आ जाएगी जब लोकसभा चुनाव होगा और देखेंगे जब नतीजे निकलेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा कितनी सीट जीतेगी, इस पर उनकी ही पार्टी में कंफ्यूजन है। कोलकाता में एक तरफ अखिलेश यादव ने 80 में से 80 सीटें जीतने की बात की थी, तो शिवपाल यादव और दूसरे पार्टी पदाधिकारियों ने 50 सीटों के आंकड़े की बात की थी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा मुस्लिम समुदाय के दिल में अपनी जगह बनाने की कवायद शुरू करने जा रही है। देश की मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर भाजपा ने मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने की रणनीति बनाई है, जिसकी शुरुआत ईद के बाद 25 अप्रैल से होनी है। मोदी मित्र प्रोग्राम की शुरुआत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा, जिसके लिए पार्टी ने मुस्लिम इलाके और सीटों की पहचान कर ली है। तय कार्यक्रम के मुताबिक भाजपा देश भर के कुल 65 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर फोकस करने वाली है, जिसके तहत पार्टी उन क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने के लिए मोदी मित्र बनाएगी, जिनकी संख्या 5000 होगी। इन मुस्लिम बहुल जिलों में असम, बिहार और केरल के कई जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के भी 13-13 जिले शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में सहारनपुर, मेरठ, आजमगढ़ और रामपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सरकार ने भी गरीब कल्याण की जितनी योजना है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का, समाज का हमें विकास करना है। मोदी मित्र अभियान को लेकर सपा ने भाजपा पर हमला बोला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तो जमीयत उलेमा हिंद ने भाजपा पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। सवाल ये है कि सरकार को पहले ये बताना चाहिए कि पसमांदा मुसलमानों के लिए उसने कितने कॉलेजेस बनाए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाए। भाजपा लगातार मुस्लिमों को लेकर कई अभियान चला चुकी है, लेकिन ये पहली ऐसी मुहिम है जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री का नाम शामिल है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है, खेत में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। गाजियाबाद के खेत में फसलों के हालात बता रहे हैं कि किसानों की फसल पर किस कदर कुदरत का प्रकोप बरपा है। गेहूं की तैयार फसल चौपट हो चुकी है, लिहाजा परेशान किसान अब सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगा रहे हैं। बिल्कुल लेट गए खेत, और लेटने के बाद अभी फसल में दूध भी ढंग से नहीं बढ़ा है। जब दूध नहीं पड़ेगा तो दाना कैसे पड़ेगा? लेटने के बाद फसल खत्म होगी। के प्रधानमंत्री हमें इसका मुआवजा दे, ताकि हमारे बच्चे पालन कर सके। हमारे पास में और कोई साधन नहीं है, खेती कर रहे हैं, दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं, और अगर हमें मुआवजा नहीं मिला तो हमारे बच्चे भूख के कगार पर पहुंच जाएंगे। बुलंदशहर में भी बेमौसम बारिश से गेहूं, सरसों और आलू की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। मूसलाधार बारिश और तेज हवा ने फसल को बर्बाद कर दिया है। बुलंदशहर का खुर्जा, गुलावठी, स्याना, अनूपशहर हो या फिर शिकारपुर, फसल की बर्बादी की तस्वीरें बिल्कुल एक सी हैं। इधर झांसी के बबीना ब्लॉक में भी मौसम की मार से किसान परेशान हैं। यहां ओलावृष्टि ने फसलों को भारी क्षति पहुंचाई है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बेमौसम बारिश ने खेतों में तबाही मचाई। मौसम की मार ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी, क्योंकि आफत अभी खत्म नहीं हुई है। गेहूं के साथ साथ दलहन और तिलहन की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। सरसों खलिहान में पड़ी हुई है। गेहूं की कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन मूसलाधार बारिश ने किसानों की सारी उम्मीदों को धो डाला। अब किसान सरकार से राहत और मुआवजा की उम्मीद कर रहे हैं। गेहूं की और ये सरसों की फसल तो लगभग तबाह हो चुकी है, क्योंकि ये बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है हल्की, और जो है खेत बिल्कुल बिक चुके हैं। इधर धर्मनगरी चित्रकूट में भी बारिश और ओलावृष्टि से खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। खेत में खड़ी गेहूं, चना और अरहर की फसल खेतों में पसर गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है।
पानी बरसा और बहरा चली तो सब गेहूँ गिर गया है। अब उसमें जहाँ की 10 क्विंटल होना था उधर 4 ही होने में बड़ा बल है। पिछले 4 दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, ऐसे में बारिश और ओले की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 25 मार्च तक बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। जाहिर है मौसम विभाग के नए अलर्ट ने किसानों के माथे पर बल दे दिया है। तो देखा आपने, प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ। अब इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने अधिकारियों को खास निर्देश भी दिए। यूपी में शुक्रवार से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद किसानों को बहुत नुकसान हुआ। बिना मौसम हुई बरसात के बाद खुद सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं और स्थिति की जानकारी लेकर अधिकारियों को तुरंत राहत और मुआवजा देने के निर्देश दिए। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने जनपद का आकलन करें और आकलन जो आएगा उसके अनुसार से जो है उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वो फील्ड पर जाकर जल जमाव और दूसरी समस्याओं को भी दूर करें। फसल के साथ साथ यूपी में ओलावृष्टि की वजह से आधा दर्जन लोग घायल हुए, 10 मौतें भी हुई। सरकार ने बारिश की वजह से हुई मौतों पर भी मुआवजे का ऐलान किया है। इस आपदा से जिन लोगों की मृत्यु हुई है अतिवृष्टि से या ओला के लगने से, तो उनको 4-4 लाख रुपया उनको जो आश्रित परिवार जन है उनको करवा दिया। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि फसलों के नुकसान का आकलन किया जाए, नुकसान का आकलन करके प्रशासन को आंकड़े बताए जाए ताकि इससे आगे की कार्यवाही में आसानी हो। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में एसटीएफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। असद अहमद पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल था। वारदात के बाद से असद फरार है। अतीक के बेटे असद की पुलिस और जांच एजेंसियां सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार सुबह लखनऊ एसटीएफ की टीम ने आगरा में फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में असद और उसके गुर्गों के छिपे होने की सूचना पर छापेमारी की। फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक की छापेमारी की जा रही है। इसी इलाके में असद के छिपे होने की खबर भी मिली है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम इस सर्च ऑपरेशन में आगरा पुलिस की भी मदद ले रही है। असद फतेहपुर सीकरी इलाके में छिपा हुआ था, लेकिन जब तक वहां टीम पहुंचती वो वहां से अपना ठिकाना बदल चुका है। असद और अन्य 4 शूटरों पर 5 लाख का इनाम है और ऐसे में फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक के बेटे असद के करीब पहुंच चुकी है जांच एजेंसियां। गिरफ्तारी से बचने के लिए असद लगातार ठिकाने बदल रहा है। जांच एजेंसियों को असद के फतेहपुर सीकरी के आसपास छिपे होने की जानकारी मिली है। असद अहमद पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। असद अहमद के अलावा 4 अन्य शूटर्स पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। धमकी और आगजनी के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट लाए गए, लेकिन फिर उन्हें एक नई तारीख मिली। कड़ी सुरक्षा के बीच इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया था। पेशी के लिए जाते समय मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक बार फिर से उनका गुस्सा सरकार और पुलिस कर्मियों पर देखने को मिला। ये आदमी नहीं है, जानवर हैं हम, बस याद रखना ये बात है। ये अपने मकसद में कामयाब है। दरअसल इरफान सोलंकी को 7 नवम्बर को जाजमऊ इलाके में हुए आगजनी मामले में पेश किया जाना था, जहाँ चश्मदीद कनीज जहरा की गवाही होनी थी, लेकिन कानपुर कोर्ट में वकीलों की हड़ताल की वजह से गवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगले 23 मार्च को सुनवाई होगी। इरफान की पत्नी ने पिछली बार मुलाकात न कराने को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज विधायक से उनकी मुलाकात करवाई गई। आज मुलाकात हो गई थी, 5 मिनट हमें इनसे बात करने का मौका मिला। हम लोग बहुत खुश हैं। कहते हैं रात में 2 बजे चले हैं आज, क्योंकि 10 बजे आना था। हाँ हाँ, मांग करी है और एडीजे 11 से परमिट मिल गया है। इंशाल्लाह फिर आगे दूसरे जो केसेस सब में मिल जाए तो बेहतर है। इस बीच इरफान सोलंकी के वकील ने कोर्ट से अपील की है कि रमजान शुरू होने वाला है, इरफान सोलंकी रोजा जरूर रखते हैं, ऐसे में उन्हें फिजिकल प्रेजेंस से छूट दी जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाए। और इस बार रामनवमी पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भव्य तरीके से श्रीराम जन्मोत्सव मनाने जा रहा है। ये महोत्सव 22 मार्च से 30 मार्च तक राम की पैड़ी समेत अलग अलग स्थानों पर मनाया जाए। कुछ इस तरह राम जन्मोत्सव को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारियों में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जुटा हुआ है। इस बार राम जन्मोत्सव पर ओलंपिक में शामिल खेलों के अलावा वो सब कुछ होगा जो सांस्कृतिक तौर पर या फिर धार्मिक तौर पर लोगों को अयोध्या से और उनके आराध्य रामलला से जोड़ सके। ये पहला प्रयोग है जिसमें खेलकूद के साथ साथ अवध क्षेत्र के लिए नए उभरते कथा, व्यास, कवि, दौड़, मैराथन, तैराकी का आयोजन होगा। तो ये पहला प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे खेलकूद भी जो ओलंपिक का हिस्सा है, मैराथन, तैराकी, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजनों का विचार हुआ है
और ये कार्यक्रम करेंगे। आयोजन का उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों को राम जन्मोत्सव का आनंद लेने का एक अवसर मिले और इस दृष्टिकोण से एक बहुआयामी संरचना बने। बेस यह है कि समाज का सभी वर्ग वो एक एक छोटे बच्चे से लेकर एक अधेड़ अवस्था वृद्धावस्था तक के व्यक्ति को अयोध्या में आने पे राम जन्मोत्सव का आनंद लेने का एक अवसर प्राप्त। अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में अयोध्या के 84 कोस की परिधि के लोगों को ही खास तौर पर शामिल होने का मौका मिलेगा। रामलला के अस्थाई मंदिर में ये आखिरी जन्म उत्सव है क्योंकि 2024 का जन्म उत्सव रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में मनाएंगे। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। चमोली में जमीन धंसने के बाद अब एक और सड़क में बड़ी दरार सामने आई। सड़क पर मोटी मोटी दरारों ने जोशीमठ की याद ताजा कर दी है। दरारों ने एक बार फिर से लोगों को दहशत में डाल दिया। सड़क पर ये दरारें चिन्याली सौड़ मुख्य बाजार को जोड़ने वाली सड़क पर पड़ी हैं, जिसकी मुख्य वजह झील को बताया जा रहा है। टिहरी बांध की झील के कारण नेशनल हाईवे, स्कूल, आवासीय भवन, मुख्य बाजार समेत 16 गाँवों में बड़ी बड़ी दरारें आई है। कई दूसरे भवन भी खतरे की जद में है। जब से ऑल वेदर जो ऊपर नेशनल हाईवे को डाइवर्ट करके ऑल वेदर को बनाया गया, तब से इस जो नीचे चिन्याली सौड़ से उत्तरकाशी जाते हुए जो रोड है, इसका रखरखाव पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन नहीं कर पा रहा है। जबकि मुख्य रोड मेन मार्केट को जोड़ने वाली रोड यही है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। उत्तरकाशी में ऐसी दरारों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। जाहिर है चार धाम यात्रा से पहले सरकार हर मोर्चे पर एक्टिव है। इन दरारों को भी पाटने की कोशिश जल्द ही जरूर होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।